स्टूडेंट चामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो हम सिखाते हैं बच्चों को, उसका विशिष्ट परिणाम क्या हमारे सामने में आता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो हम इतिहास का शिक्षण करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षण करते हैं तो उसका विशिष्ट परिणाम हमारे सामने उपलब्धि क्या बाहर आती है, क्योंकि बिना उद्देश्य की प्राप्ति के हम किसी भी चीज़ को जो है वो ज्ञान अर्जित नहीं करते। हर एक चीज़ के पीछे किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य छिपा होता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जब हम इतिहास शिक्षण करते हैं या पॉलिटिकल साइंस का शिक्षण करते हैं तो उसका जो है लर्निंग आउटकम्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है कि ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति से ले करके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति से लेकर मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति करने तक अनेक प्रकार की अधिगम उपलब्धियाँ की जाती है। यानी कि जो हम कुछ सिखाते हैं उस उद्देश्य को लेकर के, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर के जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी जो कुछ भी हमने सिखाया है वो पूरी तरह से जो है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं, उसका जब हम जांच करते हैं, बच्चों से जब हम टेस्ट लेते हैं, तो ये हमारा मूल्यांकन का पद्धति हो गया। उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं, ओरल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, रिटेन एग्ज़ाम लेते हैं, इस तरह से। तो इनका कहना है कि जब हम ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति से लेकर मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति तक जो भी अधिगम उपलब्धियाँ जो हम की जाती है वो क्या होता है, वो हमारा आउटकम्स होता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं उसके बाद जो हमारा शिक्षण की उपलब्धियाँ, जो अचीवमेंट हमारे सामने आती है, वही हमारा आउटकम्स हो गया। तो आउटकम्स जो है हम विभिन्न स्तर पे करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपने कहा था कि शिक्षण का उद्देश्य है उसको तीन स्तर में बांटा गया है। प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है, माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है और उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य है। तो ठीक उसी तरह से आउटकम्स भी हम उसी प्रकार से निकालते हैं। तो तीन स्तर से हम जो है ये आउटकम्स को प्राप्त करते हैं। कैसे? तो प्राथमिक स्तर पे जो है हम लोग क्या करते हैं, पूर्व शाब्दिक प्रत्यक्षीकरण, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। जब हम किसी विषय वस्तु को दिखाकर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इस पेन को इंडिकेट करके हम बच्चों को पूछते हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पूर्व शाब्दिक प्रत्यक्षीकरण। यानी वस्तु की ओर इंगित करके जब हम सिखाते हैं और उसका जब हमारे पास जो आंसर आता है इसके आधार पे भी जो है हम मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पे हम आउटकम्स की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है आपका तथ्यों की सूचना देना, यानी छात्रों में तथ्यों का बोध एवं ज्ञान पर अधिक बल देना। ये पेन के, अगर हम पेन दिखा के अगर हम बच्चों को पूछते हैं कि ये क्या है, तो पेन है, तो पेन से हम क्या काम करते हैं, ठीक है, पेन किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है, इस तरह का जो ज्ञान है ये हम बच्चों को देते हैं। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के तथ्यों को बल देकर के हम सिखाते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मध्य स्तर पर, यानी माध्यमिक स्तर पर जो है वो किस प्रकार से हमारा जो है आउटकम्स निकल के बाहर आता है। तो प्रत्यक्ष प्रत्ययों का बोध, यानी मूर्त रूप में प्रत्यक्षीकरण से अमूर्त रूप की अनुभूति का ज्ञान, इस उम्र के बच्चों को जो है इस प्रकार से हम आउटकम्स की प्राप्ति करते हैं। मूर्त रूप जो हमें दिखाई देता है और अमूर्त रूप जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो मूर्त में जो, यानी सामने में जो है उसको प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जब हम बिना देखे वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो उससे जो हमें प्राप्ति होती है वो हो गया हमारा आउटकम्स। फिर है हमारा नियम बोध, यानी नियम जिसका प्रयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। बिना किसी नियम का हम कोई भी पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा शिक्षण सूत्र भी होता है। तो इसी तरह से जो है बच्चे नियम के तथ्यों को जान जाते हैं कि किस नियम का प्रयोग करके हम किस चीज़ को, किस विषय वस्तु को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च स्तर पर जो है हमारा आउटकम्स क्या निकल के आता है, हम किस किस आधार पर उन उपलब्धियों का जो है वो विश्लेषण करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो उच्च स्तर पे जो है समस्या समाधान अधिगम, उच्च स्तर पे नेचुरल है कि बच्चे जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और इसमें जो है विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता पर विशेष बल दिया जाता है, किसी भी चीज़ को विस्तार रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सृजनात्मकता चिंतन, यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग जो बच्चों में होती है इस उम्र के बच्चों में, उसके आधार पे हम आउटकम्स की प्राप्ति करते हैं। यानी नए संप्रेषण का जो है वो ज्ञान उनको, उनके सामने आता है, नए संप्रेषण की जो ज्ञान होती है उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने, यानी किसी भी नए ढांचे को वो बना सके, इस तरह की क्षमताओं का विकास किया जाता है। और ये विकास जब हमको दिखाई देता है तो यही हमारा आउटकम्स होता है और ये हम उच्च स्तर में प्राप्त कर सकते हैं। ये हम प्राथमिक स्तर पे जो है इस तरह का आउटकम्स हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्थित ज्ञान,
इसमें जो है अधिगम के मूल्यांकन उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। सिंपल कि हम जो कुछ भी पढ़ चुके ठीक है उसका व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसका आउटकम्स हमें कैसे मिलेगा, तो मूल्यांकन के द्वारा ही मिलेगा। जब हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, शिक्षा में जो ज्ञान देने के लिए, जो ज्ञान बोध कराने के लिए हम जिन अधिगमों का प्रयोग करते हैं और जब हम इवैल्यूएशन करते हैं उसके आधार पे जो हमें प्राप्ति होती है वही हमारा आउटकम्स होता है। तो हमने इसको तीन लेवल में बांट करके जो है आप लोगों के सामने आज इस बात को रखा है कि किस तरह से जो है हम अपनी विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति करते हैं। तो हम विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति एक साथ सभी को मिलाकर नहीं कर सकते, हम प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और उच्च स्तर पे बांट करके करते हैं, क्योंकि इस लेवल में स्टूडेंट का जो है वो एज ग्रुप अलग अलग होता है। तो हम उसी के आधार पे उसे ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान के आधार पे जो है हम आउटकम्स की प्राप्ति भी करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही यहाँ पे आपका ख़त्म होता है कि क्या विशिष्ट परिणाम जो है उपलब्धियाँ हमें प्राप्त होती है इतिहास शिक्षण से। ये सारे आप इतिहास शिक्षण में भी दे सकते हैं, आप इस पॉइंट को जो है पॉलिटिकल साइंस के शिक्षण में भी दे सकते हैं, टीचिंग में भी दे सकते हैं। कहने का मतलब कि ये बेसिक चीज़ है जो हर एक शिक्षण प्रणाली में यूज़ किया जा सकता है। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।